साथियों, हरिओम एलपी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपना कंप्यूटर का एक टॉपिक रहेगा, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का वास्तविक रूप के अंतर्गत क्या प्रयोग है और उसका क्या अर्थ है, वह किन शब्दों से मिलकर के बना है। तो साथियों, उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे वीडियो को जल्द से जल्द पाने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पर एकदम कंफर्म से सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिए। देखिए, आज का जो विषय रहता है कंप्यूटर का एक साधारण रूप से परिचय, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। कंप्यूटर आप सभी ने देखा होगा कि इस टाइप से एक जिन्हें कहा जाए, ये आपके कंप्यूटर का टीवी टाइप में आपने देखा होगा। इसके साथ ही पड़ा रहता है इस टाइप का एक बॉक्स, और उसी के साथ साथ आपके यहाँ पर एक छोटा सा जिसे कहा जाए कीबोर्ड, जिसके अंदर बहुत सारे बटन लगे हुए होते हैं छोटे छोटे, और इसी के साथ साथ एक तार दिया हुआ होता है और वो बीच में एक चक्री टाइप में लगी हुई होती है, और ये और उसके साथ साथ ही यहाँ पर जिससे आप आवाजें सुनते रहते हैं इस टाइप में, और ये वाला जो इसके अंदर एक जाली छोटी टाइप लगी हुई होती है, और एक यहाँ पर भी इसी टाइप में एक छोटा सा रखा हुआ होता है। ये आप ये चीज देखते हैं, लेकिन इनके बारे में आपको जानकारी नहीं होती, तो आप कैसे जानकारी लेंगे, क्या लेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूं। साथियों, ये तो होता है आपको मॉनिटर, ये होता है आपके कीबोर्ड, ये होता है आपके कीबोर्ड, ये होते हैं आपके दोनों जो बने हुए हैं वो होते हैं आपके स्पीकर, और ये आपके होता है मॉनिटर, ये होता है आपके माउस, ये होता है सीपीयू। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर का जिसे मुख्य मस्तिष्क रूप में कहा जाए, अगर मस्तिष्क ही नहीं है तो बाकी वाले जो आइटम है वो कोई भी काम के नहीं है। तो मस्तिष्क के रूप में कहा जाए तो सीपीयू की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और सीपीयू का जिस समय हम बटन ऑन करते हैं और साथ साथ में अपन को उसका प्रेजेंटेशन देखने के लिए जो भी गतिविधि हो रही है उसके लिए हमें मॉनिटर का भी बटन ऑन करना होता है, और इसके साथ साथ में मुख्य रूप से भूमिका निभाता है वह होती है कंप्यूटर के अंतर्गत, वो होती है आपके एक तो माउस और एक होती है आपके कीबोर्ड। अगर ये दोनों नहीं है तो आपका कंप्यूटर बिल्कुल व्यर्थ है, लेकिन अगर स्पीकर है या नहीं है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि स्पीकर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि कंप्यूटर के अंदर कभी भी आपको कोई भी आपकी बेसिक ज़रूरत को पूरा करना हो तो ये चीज़ कर सकते हैं और आपको पता चल सकता है। लेकिन ये तो होती है आपके कंप्यूटर की एक संरचना, जिसे कहा जाए कंप्यूटर किस प्रकार का आपको एक बेसिक रूप में पूरा सिस्टम समेत किस टाइप से दिखता है उसकी एक रूपरेखा मैंने आपको बना करके बताई है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कंप्यूटर का क्या अर्थ है और कंप्यूटर का विकास किन किन चरणों के अंतर्गत हुआ है उसके बारे में भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। साथियों, अब आपको मैं बताता हूँ कंप्यूटर का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले एक नोट्स टाइप नोट्स के रूप में मैं आपको सभी बातें बता रहा हूँ। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कंप्यूटर का क्या अर्थ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ।
कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति मुख्य रूप से कंप्यूट शब्द से हुई है और कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है मुख्य रूप से गणना करना, किसी भी चीज की गणना करना, वो कंप्यूट शब्द के अंतर्गत आता है। यदि अपन देखें तो कंप्यूटर का उपयोग विशेष मुख्य रूप से गणना करने के लिए ही किया जाता है, इसीलिए इसका हम मतलब जान सकते हैं, इसका अर्थ होता है कंप्यूट शब्द का गणना करना। और साथ ही साथ इसे गणनात्मक कार्यों के लिए इसका प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, परंतु अब इसका कार्य क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ गया है और कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करती है और एक मुख्य रूप से यूज़र को उसका जो है आउटपुट यानी कि परिणाम प्रस्तुत करती है। यानी कि जैसे मैंने आपको पिछली बार जो अभी थोड़ा पीछे आपने देखा होगा, इस वीडियो को पॉज करके देखिए, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो मॉनिटर होता है और ये जो सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर से जो प्रोसेसिंग होता है मॉनिटर के ऊपर आपको उसका जो प्रेजेंटेशन दिखाई देता है, लेकिन उसके अंतर्गत मुख्य रूप से भूमिका होती है आपके इनपुट, क्या आपने इसके अंतर्गत डाला है, इनपुट किया है। तो ये कीबोर्ड के माध्यम से जो ही अपन सूचना प्रस्तुत करते हैं, प्रेषित करते हैं, तो उसका प्रेजेंटेशन आपको मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है और जिससे के माध्यम से आप ये निर्णय कर पाते हैं कि यह जो कार्य कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कंप्यूटर केवल एक गणक ही नहीं बल्कि यह गणितीय तथा अंकगणितीय सभी प्रकार की सूचनाओं को संसाधित करने के वाला उपकरण है। और वैसे तो कंप्यूटर की एक बेसिक मुख्य रूप से परिभाषा कहा जाए तो अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करके जो हमें है आउटपुट के रूप में परिणाम प्रस्तुत करता है मॉनिटर के ऊपर। यह मुख्य रूप से कंप्यूटर का अर्थ और कंप्यूटर की परिभाषा अपन कह सकते हैं। लेकिन अब इसके अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं जिनको अपन आगे की ओर देखेंगे, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में भी मुख्य रूप से जानकारी। तो अब मैं आपको